देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार। डिंडोसी पुलिस की कार्यवाही। मुंबई के डिंडोसी पुलिस ने एक 25 वर्षीय नरेंद्र जवाहर सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी खिलाफ डिंडोसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सोमनाथ घारगे से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक आरोपी गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के पास देसी पिस्टल बेचने के लिए आने वाला है। बस ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस जाल बिछाकर आरोपी का इंतजार कर रही थी। रविवार सुबह 8:30 बजे करीब एक 25 वर्षीय शख्स संदिग्ध हालत में दिखाई दिया। जैसे पुलिस उसके पास गई तभी मौका देख आरोपी भागने लगा। पुलिस ने कुछ दूर तक दौड़ाकर आरोपी को पकड़ा और आरोपी के पास से एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र जवाहर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुट गई है कि पिस्टल कहाँ से आई थी और यह शख्स किसे देने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, समय स्टल, मुंबई। अंक 16 जनवरी को सुबह सुबह एक डिंडोशी का जो ATC पथक है उसको जानकारी मिली कि एक बंदा कोई ओबेरॉय मॉल के पास आया है और उसके पास वेपन है। तो तुरंत ये एक ATC सेल ने उसको ओबेरॉय मॉल के यहाँ पकड़ा। उसका नाम है नरेंद्र सिंह, ये रहने वाला राजस्थान का है। उसके पास एक देसी बनावट का पिस्टल मिला है और 3 लाइव राउंड्स भी मिले हैं। इसके खिलाफ अभी गुना दर्ज किया है और आगे की जांच चालू है। सर, वो क्या मुंबई में सेल करने लाया था या किसी हथियार को बेचना था, इससे पहले क्या बैकग्राउंड था उसका? ऐसा तो लग रहा है कि उसको बेचने के लिए लेके आया था, क्योंकि उसके खिलाफ एक 2016 का भी एक मामला दर्ज है जिसमें ये एक वेपन बेचने आया था।